दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर ही अपनी फिल्मों में कई तरह के रिश्तों को निभाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी असल जिंदगी में अपने कई रिश्तों को छुपाते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जो आपस में एक परिवार है। ये परिवार बहुत ही बड़ा है और एक दूसरे को परिवार ये मानते हैं, चाहे ब्लड रिलेशन हो या ना हो। यहाँ धर्म की भी कोई बात नहीं रखता सामने, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर में यहाँ देखे जाते हैं कि रिलेटिव्स वाकई में हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई रिश्ते छुपे हुए अक्सर नजर आए हैं, जिनका आज आपके सामने हम अपने इस रिपोर्ट में खुलासा करने जा रहे हैं। भाई एक नाम हम लेंगे जिसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी जरूर होगी, अगर नहीं है तो वाकई में आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये रिश्ता है चचेरी बहनों का काजोल और रानी के बीच में। जी हाँ, रानी मुखर्जी और काजोल मुखर्जी यानी कि शादी के बाद देवगन लगाने वाली काजोल दोनों ही एक बहनें हैं। इन दोनों की यहाँ पर बहुत बार देखने को मिली है कैट फाइट भी, लेकिन बता दें कि ये कैट फाइट सिर्फ र्यूमर्स के तौर पर ही सामने आती है। इन दोनों के बीच कुछ खास अच्छे रिलेशन तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती तो जरूर कायम करके रखते हैं। अब यहाँ इन दोनों का चचेरी बहनों का ये रिश्ता कोई नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये दोनों इस बारे में खुलासा करने लगी तो हर कोई इस बारे में जानकर हैरान भी होने लगा। ऐसे में आपको बता दें कि काजोल के पिता का नाम है सोनू मुखर्जी और रानी के पिता का नाम है राम मुखर्जी। इस नाते ये दोनों एक दूसरे की बहनें हैं, तो वहीं इनके एक भाई भी हैं जो इनके चाचा के बेटे हैं और उनका नाम है आयान मुखर्जी, जो कि रणबीर कपूर के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बाकी पुराने यानी कि रिलेटिव्स के बारे में भी, और ये रिलेटिव्स आते हैं इमरान हाशमी। दरअसल इमरान हाशमी की माँ बहन है महेश भट्ट की, इस नाते आलिया भट्ट इमरान हाशमी की बहन लगती है। और ऐसे में इमरान हाशमी से जब पूछा गया था कि आलिया के साथ कभी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो इमरान का ये कहना था कि मैं सीरियल किसर के तौर पर यहाँ पहचान हासिल कर चुका हूँ, मेरी रोमांटिक फिल्में होती है, आलिया के साथ मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन बड़े भाई के तौर पर अगर मुझे रोल मिलता है आलिया के साथ, उनके साथ काम करना जरूर पसंद करूंगा। तनुजा मुखर्जी और नूतन, ये दोनों भी बहनें रह चुकी हैं। जी हाँ, तनुजा की बेटी है काजोल और नूतन के बेटे हैं मोहसिन बहल। ऐसे में काजोल और मोहसिन बहल भी लगते हैं एक दूसरे के भाई और बहन। ऐसे में अजय देवगन के साथ भी मोहसिन का रिश्ता जुड़ जाता है जीजा और साले जी का। शबाना आजमी के भाई के बेटी है तबू। जी हाँ, यकीनन आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि इन दोनों के बीच भी भुआ और भतीजी का रिश्ता है, जिसे ये बहुत वक्त से छुपा दिया रही है, इस बारे में खास बात करना पसंद नहीं करती। और अब आखिरी नाम आता है श्रद्धा और लता मंगेशकर का। जी हाँ, ये तो वाकई में आपको हैरान कर चुका होगा कि इन दोनों के बीच भी रिश्ता है। दरअसल श्रद्धा कपूर की माँ शिवांगी की बुआ लगती है लता मंगेशकर, इस नाते नातिन हुई लता मंगेशकर की श्रद्धा कपूर। तो दोस्तों ये थी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि बॉलीवुड के ऐसे कौन से छुपे हुए रिश्ते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, और ये सेलिब्रिटीज भी इस बारे में कम ही बात करना पसंद करते हैं। मतलब क्या कहना है इस बारे में आप सभी का, कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।